वायरसेस आखिर ये होते क्या हैं? इस वीडियो में हम वायरसेस की स्टडी करने जा रहे हैं। वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये बैक्टीरिया से भी छोटे और ह्यूमन सेल से लगभग 100 गुना छोटे होते हैं। इनके कई शेप्स होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। वास्तव में वायरसेस अर्थ की मोस्ट फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट हैं। वायरसेस ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और यहाँ तक कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। ये प्रोटीन कोट से बने होते हैं जिसके चारों तरफ जेनेटिक मटेरियल का कवर होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। कई बार एनवलप नाम की मेम्ब्रेन वायरस पार्टिकल को कवर करती है। ये एनवलप वायरसेस से नहीं बनता बल्कि ये होस्ट सेल का हिस्सा होता है। ये वायरस की स्ट्रेटेजी होती है जिससे होस्ट सेल के लिए वायरस को एक्सटर्नल एजेंट के रूप में पहचानने में कठिनाई होती है। जैसा कि हमने अभी देखा, वायरसेस सेल्स से नहीं बने होते हैं। वास्तव में वो लिविंग यानी सजीव भी नहीं होते। वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल के हाइब्रिड होते हैं। वायरसेस लिविंग नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ खास स्पीशीज के अलावा भी दूसरे कई तरह के वायरस होते हैं। इन्फ्लुएंजा और एचआईवी का एड्स कुछ कॉमन वायरस हैं। तो अगर वायरसेस लिविंग नहीं होते तो हमें इन्फेक्ट कैसे करते हैं? वायरसेस पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं जो दूसरी लिविंग सेल्स में खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरसेस होस्ट जेनेटिक मशीनरी को हाईजैक करके वायरल जेनेटिक मटेरियल को रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरस पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होने से होस्ट सेल की डेथ हो जाती है, जिससे वायरल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। रिलीज्ड वायरल पार्टिकल्स दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। वास्तव में वायरस होस्ट सेल को दो अलग अलग तरह से अटैक कर सकता है। इसे हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। वायरसेस से ह्यूमंस में कई तरह की बीमारियां होती हैं। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, येलो फीवर, एचआईवी या एड्स, न्यूमोनिया, बर्ड फ्लू, जीका, इबोला, कैंसर जैसी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत होने के कारण वायरसेस हम पे अटैक नहीं कर पाते। इम्यून सिस्टम वायरस को ट्रेस करके उसे सेल में घुसने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्फेक्शन शुरू होने के बाद भी हमारा इम्यून सिस्टम वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट रिकवर करना शुरू कर देता है। कई बार इम्यून सिस्टम वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिससे ऑब्जेक्ट्स को परमानेंट डैमेज या ऑब्जेक्ट की डेथ तक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1918 में स्पेनिश फ्लू वायरस के कारण दुनिया भर में 50 मिलियन मौतें हुई थी। साइंटिस्ट्स ने बहुत से वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशंस डेवलप किए हैं। वैक्सीनेशन के कारण ही स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसे वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हालांकि एचआईवी जैसे वायरसेस का वैक्सीन अभी भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या आपको पता है कि हम वायरसेस के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? एंटीबायोटिक्स से सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर आपको कोल्ड या फ्लू है तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वायरसेस के अगेंस्ट कुछ एंटीवायरल ड्रग्स डेवलप की गई हैं। एचआईवी जैसे वायरसेस के अगेंस्ट डेवलप किए गए एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल एचआईवी से इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने वायरसेस के बारे में जाना। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को बुरी तरह इन्फेक्ट कर सकते हैं।